हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। आज बिजनेस आइडियाज में जानकारी दे रहे हैं आटा चक्की के बारे में। आटा चक्की के दुकान को देखकर अक्सर सोचते हैं कि 2 रुपए या 3 रुपए किलो पिसाई में कितनी बचत होती होगी, लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा होगा कि प्रतिदिन 10 से 20 क्विंटल गेहूं की पिसाई की जाती है तो एक आटा चक्की में कितनी कमाई होती है। आइए आज आटा चक्की के बिजनेस मॉडल को जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आटा चक्की में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना आदि पीस सकते हैं। इसके साथ मैदा, सूजी, रवा, दलिया, मसाले आदि भी पीसे जाते हैं। एक आटा चक्की की दुकान शुरू करने के लिए 20x15 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। गेहूं पीसने के लिए मशीन, 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन और 2-4 क्विंटल गेहूं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। आटा चक्की कोई भी शुरू कर सकता है, इसके लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। आटा चक्की बिजनेस के लिए किसी मेन मार्केट या भीड़भाड़ वाले इलाके की आवश्यकता नहीं है। आटा चक्की को मार्केट के आसपास या कॉलोनी के पास भी खोल सकते हैं। आटा चक्की कहीं भी हो, लोग गेहूं पिसवाने के लिए ठीक पहुंच जाते हैं। शुरुआत में ही थोड़ी बहुत पब्लिसिटी की आवश्यकता होती है, फिर तो लोगों को पता ही चल जाता है। आटा चक्की की दुकान को शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी गांव में आटा चक्की शुरू करना चाहते हैं तो वहां आटा चक्की ना खोलें जहां पहले से ही आटा चक्की है। यदि आप किसी छोटे या बड़े शहर में आटा चक्की खोलना चाहते हैं तो ध्यान रखें, यदि वहां पहले से ही 1 या 2 आटा चक्की है, यदि वहां भीड़ बहुत होती है तभी वहां आटा चक्की शुरू कर सकते हैं। यदि भीड़ कम है तो वहां पर भी आटा चक्की ना खोलें। ऐसे शहरों में आटा चक्की खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह है शहर में बनने वाली नई कॉलोनियां, जहां आसपास कोई आटा चक्की नहीं होती है। आटा चक्की शुरू करने के लिए बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आटा चक्की बिजनेस का एक प्रोजेक्ट तैयार करके बैंक में जमा करना होगा। सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत भी आटा चक्की बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की संस्था MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा भी आटा चक्की शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। फ्रेंड्स, आटा चक्की खोलने के लिए कुछ सरकारी नियमों को भी पूरा करना होगा। जैसे आटा चक्की शुरू करने के लिए 3 फेज बिजली कनेक्शन लेना जरूरी है, वो भी कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए। बिजली बिल बचाने के चक्कर में घरेलू कनेक्शन या अवैध तरीके से इसे ना चलाएं। पकड़े जाने पर लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। आटा चक्की शुरू करने के लिए किसी तरह के लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी आप नजदीकी लघु उद्योग केंद्र में जाकर ले सकते हैं। आटा चक्की की मशीन ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मशीन खरीदने के लिए इंडिया मार्ट की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। ऑफलाइन मशीन खरीदने के लिए शहर के मेन मार्केट से खरीद सकते हैं। मशीन खरीदने से पहले आटा चक्की मशीन के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ले। फ्रेंड्स, आटा चक्की के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होती उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।